Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video I will be covering ACCAF1 chapter number 1, that is the business organization. So what is this business organization? Business organization kya hoti hai? So pehle theory padhenge, fir saath saath main theory explain karta rahunga. So first thing is business organization and the reasons why they are formed. ये chapter बहुत slow पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, because इस chapter में बहुत detailed चीज़ें नहीं हैं. इस chapter में basically तीन चार चीज़ें हैं जिनमें तुम्हें differences पता होने चाहिए, that's it. और कुछ नहीं है इस chapter में. मैं crux में इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर हम theory इस chapter की एक बार पढ़ लेंगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा easy रहेगा, ताकि छोटे छोटे concept तुम्हें clear हो जाएँ. बाकी मेन हमें इसमें चार चीज़ें ही पढ़नी है, तो वो जब आएंगी वो मैं चारों बता के फिर एंड में उनका डिफरेंशिएट कर दूंगा. तो फर्स्ट इज व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो डिफाइनिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफिकल्ट एज देर आर मैनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेटअप टू मीट वैरायटी ऑफ नीड्स सच एज क्लब्स, स्कूल, कंपनीज, चैरिटीज, हॉस्पिटल. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर क्लब, हर चीज़ का अपना एक टारगेट होता है, अपना एक मोटिव होता है जिसके लिए वो खुलती है. सो वॉट ऑल have in common is summarized in the definition produced by Buchanan and Huzainski. अब Buchanan and Huzainski ने क्या कहा था कि organizations are social arrangement for the controlled performance of a collective goal. ठीक है, तो social arrangement means where different individual connect with each other, different individual connect with each other. कंट्रोल परफॉर्मेंस के जो भी वो काम करते हैं, वॉट एवर वर्क दे डू इट इन अ कंट्रोल्ड वे, दे डू इन अ सिस्टमैटिक वे, ताकि हमारी वेस्टेज ज़्यादा ना हो, परफॉर्मेंस अच्छी रहे. कलेक्टिव गोल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो द रीज़न why these organizations आर मेड इज लाइक, या ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल अरेंजमेंट बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सो दैट जो भी वो काम करें वो कंट्रोल परफॉर्मेंस में करें, अच्छे से काम करें, गलतियाँ ना करें, प्रोडक्टिव काम करें, सो दैट हमारी कंपनी के गोल्स अचीव हों. और कंपनी के गोल्स अचीव होंगे, दैट मीन्स सारे इंडिविजुअल्स के गोल अचीव होंगे, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी सारे इंडिविजुअल साथ में ग्रो करेंगे. सो यही इसमें की टर्म्स आती है हमारी, कलेक्टिव गोल्स, सोशल अरेंजमेंट एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस. कलेक्टिव गोल सिंपली मींस कि सबका एक इंडिविजुअल गोल होना चाहिए पूरी कंपनी में. सोशल अरेंजमेंट मींस कि बहुत सारे लोग मिलके काम करें. और कंट्रोल परफॉर्मेंस, जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम अच्छे से करें, गलतियाँ ना करें, सारे इंडिविजुअली अपने टारगेट्स बनाएं, सारे अपने इंडिविजुअली टारगेट्स अचीव करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, दैट इज कंट्रोल परफॉर्मेंस. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी इलस्ट्रेशन अगर हम फटाफट से देखें, अ फुटबॉल टीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज फुटबॉल टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं. सो नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारा क्या हो जाएगा? सोशल अरेंजमेंट. द टीम हैज एन ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स कलेक्टिव गोल. उसके बाद टू डू देयर जॉब प्रॉपरली, तो सिंपल ये क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव गोल्स के बाद थर्ड इज कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस. That is why a football team can also be called an organization. याद रखना, we are talking about organization, not a business organization. हम अभी business organization की बात नहीं कर रहे हैं. Business organization होता है जो पैसे के लिए काम करते हैं. We are just talking about organization. कि एक organization क्या होती है, जहाँ पे लोग मिलके कुछ काम करते हैं, that is organization. I am not talking about business organization. There is a huge difference. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे लोग काम करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स. ऑर्गेनाइजेशन मींस कोई भी उनका टारगेट हो सकता है. अगर गोल करना है फुटबॉल में, दैट इज ऑल्सो अ टारगेट, सारे मिलके वो गोल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इन दिस केस फर्स्ट इज सोल ट्रेडर, अ टेनिस क्लब,
एंड हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल पहले सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर मीन्स अकेला बंदा बिजनेस में काम कर रहे हैं. सोल ट्रेडर मीन्स लाइक आई एम द इंडिविजुअल पर्सन, मैं ही बाय सेल सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम अ ट्रेडर. सो दैट मीन्स बहुत सारे लोग इसमें नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है. देन टेनिस क्लब. टेनिस क्लब में देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व टू अचीव अ टारगेट. सो टेनिस क्लब इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. हॉस्पिटल इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. सो द आंसर इज सी, सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड वुड बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. सोल ट्रेडर को ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं माना था क्योंकि सोल ट्रेडर अकेले काम करता है, वो मिलके लोगों के साथ काम नहीं करता. ठीक है. सोल प्रोप्राइटर के अंदर हो सकता है कि ये बंदा सोल प्रोप्राइटर है, इसने अपने अंडर बंदे रखे हुए हैं. आई वी आर टॉकिंग अबाउट सोल ट्रेडर, अकेले जो काम करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन. अब आता है वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या होता है. अकेले बंदे के काम करने से बेटर अगर दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम करें, उसका फायदा क्या होगा, वॉट विल बी दी बेनिफिट. फर्स्ट इज शेयर स्किल एंड नॉलेज. अब इसमें क्या होता है, हर बंदे के इंडिविजुअल स्किल होते हैं. कोई बंदा भागने में ज़्यादा स्किल्ड होता है, कोई बंदा दिमाग चलाने में ज़्यादा स्किल्ड होता है, कोई बंदा टेक्निकली स्किल्ड होता है, कोई बंदा फाइनेंशियली स्किल्ड होता है. सब अपने अपने तरीके से स्किल्ड होते हैं. सो अगर हम सारे मिलके काम करेंगे तो सारे अपने स्किल्स कंबाइन करके उसके बाद हम कोई टारगेट अच्छे से अचीव कर पाएंगे. सो शेयर स्किल्स एंड नॉलेज. दिस कैन एनेबल पीपल टू परफॉर्म टास्क दैट दे वुड बी अनेबल टू अचीव ऑन देयर ओन. अब मुझे अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, ठीक है, मैं अकेले अगर मैं ऐसे पढ़ाता, पढ़ाने का कुछ देखता, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं थी कि लैपटॉप में कैसे पढ़ाते हैं, वीडियोज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं. बट अब तीन चार बंदे मिलकर काम कर रहे हैं हम, तो वो मुझे बताता है कि ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है, मैं उसको मैटर देता हूँ, वो उस मैटर को सारा यूट्यूब पर अपलोड करता है. सो दैट इज़ लाइक शेयर ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज. देन आते हैं स्पेशलाइज. इंडिविजुअल वर्कर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ लिमिटेड टाइप ऑफ एक्टिविटी. अब सोचो अगर मुझे अकेले ही सारी वीडियोस बनानी होती, मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी है, मेरे को पढ़ना भी है, मेरे को क्वेरीज भी देखनी है, मेरे को अपलोडिंग भी करनी है, तो अकेला मैं शायद इतना कुछ ना कर पाऊँ. ठीक है. लेकिन आई एम स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग. मैं वीडियो पढ़ाने में, मैं वीडियो में मैटर पढ़ाने में मैं माहिर हूँ. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ और अपना मैटर पढ़ाता हूँ. अब वीडियो बना के एडिटिंग करना, सब कुछ करना, अपलोड करना, दैट इज दैट पर्सन्स जॉब. तो मैं अपने काम में स्पेशलाइज हूँ, वो अपने काम में स्पेशलाइज है. पूल रिसोर्सेज. पूल रिसोर्सेज मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं, तो हो सकता है एक के पास बहुत ज़्यादा फंड्स ना हो. दो बंदे मिलकर काम करेंगे तो फंड्स भी ज़्यादा होंगे. मैं जब अकेला था, मेरे पास 2 लाख. मैंने अपने फ्रेंड के साथ काम किया, उसके पास भी 2 लाख थे. अब हमने टोटल बिजनेस में लगा दिए 4 लाख. दिस इज कॉल्ड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. सो दिस इज व्हाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस रिजल्ट्स इन सिनर्जी वेयर ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव मोर देन द इंडिविजुअल कुड डू एट देयर ओन. कि जो अकेला मैं कर सकता था, उससे ज्यादा मैं कर पा रहा हूं लोगों के साथ मिलके. That's why we need organization. ठीक है. अब अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 ये पढ़ते हैं एक बार. जारेड इज ऑर्गेनाइजिंग अ सोशल इवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेनिफिट हिम फॉर्मिंग अ कमिटी टू मैनेज द प्लानिंग प्रोसेस एंड इवेंट इटसेल्फ. तो इट वुड हेल्प पे अगर वो कमेटी बना रहा है, तो कमेटी बना के उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. It would help to overcome his limitation by bringing on board other people with different skills to him. That's true. नए लोग आएंगे, different skills के लोग आएंगे, तो obviously उसको और ज़्यादा एक ideas मिलेंगे. It would save time through the joint effort of everyone on the committee. Yes, कि अगर वो joint effort होंगे, मिलके वो काम करेंगे, that means time भी कम लगेगा, cost भी कम लगेगी. इट वुड हेल्प टू सेटिस्फाई जारेड सोशल नीड्स. अब सोशल नीड्स क्या होता है, हर इंसान चाहता है कि जब भी वो कोई काम करे, उसके साथ कोई खड़ा हो, उसको सपोर्ट करे, उसको गाइड करे. तो अगर मैं अकेला ही सारे काम करूँगा, तो देयर विल बी अ पॉइंट कि कोई मुझे गाइड करने के लिए होगा ही नहीं, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा, कोई मेरा फ्रेंड नहीं होगा. अक्सर जब लोग जॉब करते हैं, तो फ्रेंड्स उनके वही बनते हैं जो जॉब में उनके साथ काम कर रहे हैं. अगर वो अकेला इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, कोई उसका है ही नहीं, सर्कल ही नहीं है, तो
मतलब तो क्या होगा, ही विल नॉट वर्क, ही विल नॉट बी एबल टू वर्क इन अ वेरी गुड मैनर. सो दैट्स वाई एवरी पर्सन नीड्स अ सोशल नीड, एवरी पर्सन हैज अ सोशल नीड. तो अगर लोग मिलकर काम करेंगे तो जैरेड वुड हेल्प टू सेटिस्फाई हिज सोशल नीड. और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी वुड हैव टू बी स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग द सोशल इवेंट. अभी ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी वुड हैव टू बी स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग द सोशल इवेंट. मतलब हर आदमी को हर चीज पता होनी चाहिए. यह पॉइंट कह रहे हैं कि हर इंसान को जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसको हर चीज पता होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. अभी हमने पढ़ा ना कि एक बंदा एक चीज में माहिर है, एक दूसरी चीज में, एक तीसरी चीज में. तो दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट इज इनवैलिड. सो द आंसर वुड बी ए, दैट इज ए बी एंड सी, या 1, 2, 3. ठीक है गाइस, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो एज वी हैव डिस्कस्ड, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स, वी कैन देयरफॉर क्लासिफाई देम इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज. तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कमर्शियल वर्सेस नॉन प्रॉफिट, इसको इग्नोर कर दो. हम सीधा पढ़ते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को मैं सिंपल बोल सकता हूँ, एक बिजनेस. बिजनेस मतलब जिसका टारगेट होता है पैसे कमाना. सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सी देयर मेन ऑब्जेक्टिव एज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ देयर ओनर्स, कि अपने ओनर्स की वेल्थ सबसे ज्यादा बढ़ाने, यही उनका टारगेट होता है और कोई टारगेट नहीं होता. दैट इज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सी देयर मेन ऑब्जेक्टिव एज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर्स. देयर आर थ्री कॉमन फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंपनीज. अब तीन टाइप की कंपनी हमारी होती है, एक होता है सोल ट्रेडर और वी कैन कॉल इट सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज. सोल ट्रेडर क्या होता है, वो अकेला ही बिजनेस करता है, हो सकता है वो अपने अंडर बंदे हायर कर ले, बट इट इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन. पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड रन बाय टू एंड मोर देन टू इंडिविजुअल, जहां पे दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं. ठीक है, ये होता है हमारा पार्टनरशिप. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, अब पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, इन तीनों ने एक पेपर पे बस डॉक्यूमेंट पे लिख दिया कि हम तीनों मिलके साथ में ये काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप. इसको बस कहीं एक जगह होती है रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे इसको रजिस्टर करा दिया, विच इज नॉट समथिंग बिग. वो तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं कि हाँ ये तीनों पार्टनर्स हैं. कंपनीज क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या होती है, कि जब भी कोई दो बंदे मिलके कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी इज लाइक गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इन दी आईज ऑफ अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की आईज में वो एक तीसरा बच्चा बना देते हैं जो होती है उनकी कंपनी. ठीक है, ये दोनों मिलके कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सब कुछ करके. अब गवर्नमेंट की नजरों में दैट इज ऑल्सो अ पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बट इट इज अ पर्सन, एक इंडिविजुअल होता है गवर्नमेंट की नजरों में. दैट मीन्स अगर इस बंदे ने कोई भी गलती करी है, कोई भी गलती अगर इस बंदे ने करी है, तो ये दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ही विल बी ओनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेम. अब इसका फायदा क्या होता है, वाई पीपल प्रेफर टू मेक कंपनीज रादर देन पार्टनरशिप. इसका फायदा क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप फर्म में बहुत लॉसेज हो गए, फर्म डूब गई, तो इन तीनों को, पार्टनर्स को, अपनी पॉकेट से पैसे भरने पड़ेंगे. लेकिन कंपनीज के केस में क्या होता है कि अगर कंपनी डूब गई तो इन दोनों पार्टनर्स को अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं देना, बस इन्होंने जो पैसे लगाए हुए थे वो डूब जाएंगे लेकिन इनकी पॉकेट से कोई पैसा नहीं जाएगा. दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू स्टार्ट अ कंपनी. सो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी टू इट्स ओनर्स, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर जो उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं. The owner's liability is limited to the amount they have invested into business. मतलब जितने पैसे इन दोनों partners ने जितने पैसे इस business में लगाए हुए हैं, उतनी ही उनकी liability है कि अगर firm डूब गई तो जो इन्होंने company start करते हुए invest किए थे वही पैसे डूबेंगे, इनको अपनी pocket से पैसे नहीं देने, जबकि partnership में उनको अपनी pocket से पैसे देने पड़ सकते हैं.
ठीक है. सो इन यूके देर आर टू टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनीज. लिमिटेड कंपनीज इंडिया में होती हैं हमारी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. यहां पे भी वही दो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, विच इज ओन्ड एंड रन बाय लेस इंडिविजुअल्स, जैसे घर के लोग हो गए, फ्रेंड्स फैमिली हो गए, इन सब ने मिलकर एक कंपनी बना दी, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है कि जैसे इंडिया में है रिलायंस, रिलायंस टाटा, कि ये तो है ओनर्स, मतलब शेयर होल्डर, प्लस इन्होंने शेयर होल्डिंग पब्लिक को भी दे दी, आम जनता को. जैसे कंपनी की आउट ऑफ 100% 60% होल्डिंग अपने पास रख ली और 40% होल्डिंग इन्होंने पब्लिक को दे दी, आम जनता को, जो उसमें शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज राइट लिमिटेड आफ्टर देयर नेम. याद रखना, यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने आगे क्या लिखती हैं, खाली लिमिटेड. दीज टेंड टू बी स्मॉलर बिजनेसेस ऑफन ओन बाय फ्यू शेयर होल्डर्स. शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर टू जनरल पब्लिक. शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, ये अपने पास ही रखेंगे. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विद PLC आफ्टर देयर नेम, मतलब अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो लिखेगी लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो क्या लिखेगी, PLC. जैसे ABC PLC, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी. दीज कैन बी मच लार्जर बिजनेसेस. शेयर्स कैन बी ऑफर टू जनरल पब्लिक, मीनिंग दैट देयर कैन बी मिलियंस ऑफ डिफरेंट शेयर होल्डर. दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द कंपनी टू रेज फाइनेंस, एनेबलिंग फर्दर ग्रोथ. मतलब जब कंपनी आम जनता से पैसे ले सकती है और आम जनता उसमें पैसे इन्वेस्ट करेगी, दैट मीन्स कंपनी के पास बहुत सारे फंड्स आ सकते हैं, दे कैन रेज लॉट ऑफ फंड विद पब्लिक. प्राइवेट लिमिटेड के केस में मैक्सिमम अमाउंट वो कितना ले सकते थे, जितना इन सबके पास है, और पब्लिक के केस में तो वो पब्लिक से ही ले सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है टोटल मिला के पब्लिक में. सो दैट्स वाई दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. दोनों कंपनीज का, लिमिटेड कंपनीज का एक ही टारगेट होता है, दैट मीन्स मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब प्रॉफिट्स कमाना और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना अपने. तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टू काइंड ऑफ लिमिटेड कंपनीज. इसके बाद आते हैं हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPOs या NFO, इनको NFP और NPOs भी बोल सकते हैं. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे डू नॉट सी प्रॉफिट एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव. इंस्टेड दे सीक टू सैटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड ऑफ देयर मेंबर्स और सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी दैट हैव बीन सेटअप टू बेनिफिट. मतलब ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बेनिफिट के लिए नहीं बनती, पैसे कमाने के लिए नहीं बनती. इनका टारगेट ये होता है कि बस हमें आम जनता की भलाई करनी है, ठीक है. ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है. इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी गवर्नमेंट ओन्ड. जैसे गवर्नमेंट भी कई चीजें ओन करती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्कूल्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. और प्राइवेट क्या हो सकती है, जैसे मैंने चैरिटी करी है, चैरिटेबल ट्रस्ट खोली है इंडिविजुअल अपने नाम पे, मैं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी प्राइवेट और कैन बी गवर्नमेंट ओन्ड. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकते हैं, एग्जांपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, चैरिटीज, क्लब्स. क्लब्स को भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज क्लब्स जो बनते हैं वो पैसे कमाने के लिए नहीं बनते. क्लब्स का भी मेन टारगेट ये होता है कि जितने मेंबर्स हैं क्लब के वो सेटिस्फाई रहें, किसी भी क्लब के, ठीक है. अब माइट बी यू कैन थिंक कि स्कूल एंड हॉस्पिटल्स तो पैसे कमाने के लिए बैठे होते हैं, है ना. दैट इज इन इंडिया. इंडिया के अंदर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं, दी आर प्राइवेटाइज, तो दे कैन अर्न एज मच मनी दे वॉन्ट लोगों से चार्ज करके. फॉरेन कंपनीज में, यूके में, ये पब्लिक होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट की होती है, दिस इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कभी भी इनसे पैसे नहीं कमाती, गवर्नमेंट बहुत जनरल पैसे लेती है. तुमने सुना होगा कि काफी कंट्रीज में अगर आप टैक्स पेयर हो तो गवर्नमेंट 8, 6, 5, 6 साल, 10 साल तक तो बच्चे की स्कूल फीस भी नहीं लेती. अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो मेडिकल इंश्योरेंस आपकी फ्री होती है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होती है, ठीक है. सो दैट्स वाई इन यूके दीज टू आर ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, के ये पैसे नहीं कमाते,
और इसमें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट एनएफपीज विल वेरी सिग्निफिकेंटली. सबका अपना ऑब्जेक्टिव होता है. हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट टू ट्रीट पेशेंट्स. काउंसिल्स में सीक देयर मिशन एज केयरिंग देयर कम्युनिटीज. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली एग्जिस्ट टू इम्प्लीमेंट अ गवर्नमेंट पॉलिसी. चैरिटी में हैव प्रोविजन टू रिलीफ ऑफ विक्टिम ऑफ डिजास्टर्स एज इट मेन ऑब्जेक्टिव. तो मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कैसा भी टारगेट हो सकता है, जस्ट पैसे कमाना उसका टारगेट नहीं होगा. ठीक है. अब इसके बाद आता है हमारा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. अब यहां इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. ध्यान रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. अब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है? पहले पब्लिक सेक्टर, सॉरी. अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बनाती है उसको एंड गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है. तो याद रखना, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है जो लोग प्लस आम जनता, लेकिन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पब्लिक सेक्टर यूज हुआ मतलब पब्लिक के लिए जो सेक्टर है, मीन्स कि दिस इज सेटअप बाय गवर्नमेंट एंड दिस इज ऑल्सो एनपीओ. दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये पैसे नहीं कमाते. और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है. दिस इज रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और जो हमारे आम जनता होती है. तो प्राइवेट सेक्टर कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कैन बी एनपीओ. तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, इसमें लोग खुद काम कर रहे हैं. अब लोग चाहे प्राइवेट सेक्टर के तरीके से काम करें, चाहे पब्लिक सेक्टर के तरीके से काम करें, चाहे एनपीओ की फॉर्म में काम करें. सो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप रादर देन दी गवर्नमेंट. इट कैन बी बिजनेस, चैरिटीज एंड क्लब्स. मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो आई थिंक अब तुम्हें मोस्टली डिफरेंस पता चल गया होगा कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज और प्राइवेट सेक्टर में. ठीक है. अब इलस्ट्रेशन नंबर 3. मैनी स्कूल्स रेज फंड रेजिंग इवेंट सच एज फेट्स वेयर द इंटेंशन इज टू मेक प्रॉफिट. Does this make them profit seeking? India से compare करें तो obviously yes, but foreign में no. क्योंकि जब government organization कोई पैसे कमाती है, वो पैसा भी उसी business में लगेगा, वो उसी school में पैसा invest करेगी, school की maintenance में, school की growth में invest करेगी. Although वो पैसे कमाएगी, but school में ही वो पैसे लगेंगे, government घर नहीं लेके जाएगी. That's why according to UK rule, this statement is false. इसके बाद सेम बस इन्होंने अलग अलग नाम दे दिए. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने पढ़ा था ना एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच डज नॉट हैव प्रॉफिट. मतलब ये एनपीओ भी होती है एंड इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद गवर्नमेंट. मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है कि पैसे भी नहीं कमाने, प्लस ये गवर्नमेंट से भी लिंक नहीं है. NGOs often promote political, social, environmental change within the countries they operate, like Red Cross, Doctors Without Borders, Greenpeace, Amnesty International. So basically, NGOs, non-government organizations, are those organizations which are not set up by the government, not controlled by the government, set up by public, set up by private, but their goal is not to earn profit. पैसे कमाना इनका target नहीं होता. ठीक है. लास्ट आता है इस चैप्टर का कॉपरेटिव्स. अब कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? कॉपरेटिव्स इज, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इन छह बंदों को, लेट्स से इन छह बंदों ने, ये छह बंदे मार्केट जाके सब्जी लेके आते थे. लेट्स से ये प्याज लेके आते थे. ये सारे एक किलो प्याज लेके आते थे. किसी को 30 की पड़ती थी, किसी को 35, किसी को 20 की, किसी को 15 की, किसी को 50 की, किसी को 60 की, कोई कहां कहां से लेके आ रहा है. तो ये सारे एक ही सोसाइटी में रहते थे.
तो एक दिन वैसी इवनिंग में देवर सिटिंग एंड डिस्कसिंग कि यार प्याज के रेट बड़े डिफरेंट से हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम सबको अच्छे रेट पे सस्ती प्याज मिल जाए। तो एक पर्सन, ही वॉज अ इंटेलिजेंट गाय, इसने बोला कि देखो एक काम करता हूँ, यहाँ से 15 रुपये की प्याज मिलती है, ठीक है, चलो 15 वाली बहुत ही बेकार होगी, तो हम 20 वाली ले लेते हैं। अब 20 वाली प्याज वाले को अगर मैं बल्क ऑर्डर दूंगा, बल्क ऑर्डर मतलब तुम सबका मैं ऑर्डर दूंगा, तो अल्टीमेटली बल्क ऑर्डर में वो रेट सस्ते भी करेगा, हो सकता है हमें वही वाली 15 की मिल जाए, है ना। तो ऐसे बल्क में काम करेंगे ताकि सारे मेंबर्स का बेनिफिट हो जाए एक साथ। सो दैट इज अ कॉपरेटिव सोसाइटी या कॉपरेटिव्स। सो कॉपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स ही इसको बनाते हैं, मेंबर्स ही इसको कंट्रोल करते हैं, द पीपल हु बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज, जो इसके थ्रू गुड्स या सर्विसेज बाय करते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज सोलली टू मीट देयर नीड्स ऑफ द मेंबर ओनर हु यूजुअली शेयर एनी प्रॉफिट। अब इसमें वो प्रॉफिट क्या शेयर करेंगे, खुद ही ने पैसे लगाने, खुद ही को चीज सस्ती मिलेगी बस, तो इसमें कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता कॉपरेटिव का। हाँ, अगर कल को ये बोलते हैं चलो ठीक है हम सस्ती प्याज लेके आगे भी इसको बेच देते हैं, सो छोटा मोटा प्रॉफिट होता है जहां पे नॉर्मली कॉपरेटिव ये सब नहीं कर सकती, ठीक है। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजली सीन एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज। कंपनीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सो कंपनीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है क्या होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कंपनी को क्या इन्वायरमेंट से कोई लिंक ही नहीं है, होता है इसका टारगेट बट प्राइमरी नहीं है, दिस इज सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होगा, टू मेक प्रॉफिट, दैट मीन्स 1 एंड 3, आंसर इज डी, ठीक है। अब आता है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, दिस इज नॉट पब्लिक लिमिटेड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स पब्लिक का सेक्टर विच इज गवर्नमेंट, तो चैरिटी प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है ना। वी आर कहें मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली कौन सी गवर्नमेंट होती है, चैरिटी तो प्राइवेट पब्लिक दोनों होती है, सोशल क्लब भी लोग मोस्टली प्राइवेट ही होते हैं, लोग अपने लिए बनाते हैं, स्कूल्स इज रन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं हो सकती, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ओन्ड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, इसमें ओनर्स और पब्लिक का हाथ होता है, गवर्नमेंट ओनर नहीं होती इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो जो भी इसके क्वेश्चंस करो बहुत ध्यान से समझ के इसके क्वेश्चंस करना, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आते हैं, इसको फटाफट से देख लेते हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कि सेक्टर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट, अ फर्दर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन इज द मार्केट इन विच दे ऑपरेट। तो एग्रीकल्चर होती है, माइनिंग, फाइनेंस, रिटेल, सर्विस, बेसिकली हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मोस्टली सारे सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। यू कैन लीव दिस पॉइंट, ठीक है, समरी का भी कोई फायदा नहीं है तो समरी को यू कैन स्किप। ये सारा मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, ये थ्योरी में जस्ट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर, किसी को डाउट हो प्लीज इसमें नीचे लिख देना, बाकी वीडियोस जो पेंडिंग चैप्टर्स की है वो मैं जल्दी बना के इसमें अपलोड कर दूंगा। बाय गाइस, टेक केयर।